नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, आदिवासी दिवस पर सरकार द्वारा अवकाश बंद करने पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आदिवासियों का सरकार अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कहने पर चलती है। उन्हीं का एजेंडा रहता है कि कब आदिवासी भाई बहनों को गले लगाओ, कब अंबेडकर जी को अपनाओ, कब सरदार पटेल को अपनाओ। मौका निकल जाने पर तस्वीर से निकाल कर बाहर फेंक दो। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ आदिवासी लोग रहते हैं। यह आदिवासी प्रदेश माना जाता है। उनके साथ यह अन्याय कर रही है सरकार। आज सारा वर्ग आक्रोश में है। देखिए, ये सब चलता है आरएसएस के कहने पे। पूरा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बताए हुए सड़क गलने मार्ग पे चलना चाहती है। उन्हीं का एजेंडा रहता है कि कब आदिवासी भाई बहनों को गले लगाओ, कब अंबेडकर जी को अपना बनाओ, कब सरदार पटेल को अपना बनाओ, और मौका निकल जाए तो तस्वीर से निकाल के बाहर फेंक दो। 2 करोड़ आदिवासी इस प्रदेश में है, आदिवासी प्रदेश माना जाता है। उनके साथ अन्याय, सारा वर्ग आक्रोशित है। अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वहाँ आदिवासी भाई बहन इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोग 1 बजे वहाँ जाएंगे, वहाँ कार्यक्रम है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो लोग दिवंगत हो गए इनके प्रति श्रद्धा है मन में, लेकिन जो जिंदा है, जो जीवित है आदिवासी, उनको मौत के मुंह में झोंका जा रहा है। ये कैसे सहन होगा? श्रद्धांजलि 1 घंटे बाद हो जाएगी, 2 घंटे बाद हो जाएगी, लेकिन जो जीवित आदिवासी है उन्हें मौत के मुंह में झोंक रहे हो, उनके झोपड़े तोड़ रहे हो, पट्टे पे दखल कर रहे हो, ये थोड़ी बर्दाश्त होगा। आपत्ति अब ले लगाएंगे, अभी है, कुछ शब्द देखे हैं, उन्हें छाट छाट के अपने मामू और ऐसे ऐसे शब्द उसने उनने भर दिए। चड्डी आर एस से संबंधित, मामू शिवराज से संबंधित बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कांग्रेस को भी नागवार गुजरते हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।